नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भारत सूरज। रात के 10 बज गए हैं, 10 रिपोर्ट लेकर हाजिर हूं। फटाफट मैं आपको बता देते हैं कि कौन सी 10 बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी दिल्ली में बेल पर जो एक सियासत का खेल चल रहा है उसके बारे में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल गए थे हाईकोर्ट बेल मांगने, सुप्रीम कोर्ट बेल मांगने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, चीफ जस्टिस जी आपको बेल देंगे। दूसरी बड़ी खबर होगी कि इस गर्मी के मौसम में एक तरफ सियासत की आग अलग है, दूसरी तरफ आसमान की आग अलग है। गर्मी बहुत बढ़ रही है, गर्मी से निजात मिलेगी कि नहीं मिलेगी इस पर बात करेंगे। और इसके बाद आपको लिए चलेंगे हम बिहार, क्योंकि वहां पर सुशासन से कुछ तीखे सवाल पूछने हैं। पटना यूनिवर्सिटी में एक छात्र की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है, इसको लेकर अभी तक सियासत मौन नजर आ रही है। चौथी बड़ी खबर जो है वो कांग्रेस से जुड़ी हुई होगी, क्योंकि चुनाव संपन्न नहीं हुए लेकिन लड्डुओं का ऑर्डर दे दिया गया है, तो कितना स्वाद होगा इस लड्डू में ये हम आपको बताएंगे आज की रिपोर्ट में। पांचवी खबर जो है वो लाउडस्पीकर पर जुड़ी होगी, क्योंकि लाउडस्पीकर पर अब सियासत का वॉल्यूम जो है वो बहुत लाउड हो गया है, मध्य प्रदेश की ये खबर है, ये आपको हम बताएंगे। इसके बाद बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, कि छत्तीसगढ़ में जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग, यानी कि अब गैंग वॉर और गैंगस्टर्स जो है वो अब छत्तीसगढ़ में पैर पसार रहे हैं नक्सलियों के बाद। इसके बाद सातवीं बड़ी खबर हम आपको आज बताने वाले हैं, वो जुड़ा होगा छत्तीसगढ़ से, क्योंकि वहां पर साय सरकार जो है विजन डॉक्यूमेंट 2047 लेकर आ रही है, यानी कि 2047 के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट सरकार तैयार कर रही है, सियासत इस पर भी तेज है। इसके बाद मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज घोटाले पर हम बात करेंगे, क्योंकि रोज जो इस घोटाले में नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। नवी बड़ी खबर जो है आज 10 बजे 10 रिपोर्ट में जिसके बारे में आपको बताएंगे, वो बेमित्रा बारूद फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब तक बहुत से लोग लापता है लेकिन सरकार जो है प्रशासन कह रही है कि 8 ही लोग लापता है। ग्रामीणों का कहना है कि बहुत लोग लापता है, इस पर हम आज बहुत विस्तृत तरीके से बात करेंगे। और आखिरी रिपोर्ट जो है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि पहल बहुत अच्छी की गई है गर्मी के मौसम में, चाहे ट्रैफिक के लोग हो या फिर आम लोग हो, उनको कैसे राहत मिले सड़क पर ये बताने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं हम दिल्ली की खबर से, क्योंकि केजरीवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल दरअसल अब तिहाड़ जाने के बहुत नज़दीक आ गए हैं, 2 जून को ही उनको सरेंडर करना है, लेकिन केजरीवाल ने कहा था कि 7 दिन की हमें और मोहलत दे दीजिए ताकि मैं जो हूँ अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकूं, क्योंकि उनका कहना है कि वो बीमार चल रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि गोवा में और पंजाब में अगर चुनाव प्रचार करने की बात हो तो केजरीवाल बहुत फिट नजर आते हैं। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और केजरीवाल की क्या तैयारी है जेल ना जाने को लेकर, इस रिपोर्ट में हम बता रहे हैं, देखिए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल चाहें कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन शायद अब उनकी मुश्किलें कम नहीं होने वाली। दिल्ली की मुखिया केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से मना कर दिया। केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच ने कहा कि अंतरिम जमानत बढ़ाने का फैसला सीजीआई ही करेंगे, क्योंकि मुख्य मामले में केजरीवाल के खिलाफ फैसला सुरक्षित है। केजरीवाल को ईडी ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 50 दिन जेल में रहने के बाद केजरीवाल को 10 मई को तिहाड़ जेल से जमानत मिली थी और अब उनका 21 दिन का ये बेल पीरियड 1 जून को खत्म हो रहा है। चलिए अब आपको सीधा कोर्ट रूम लिए चलते हैं, जहां अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल के तरफ से दलीलें दे रहे थे। सिंघवी, हमें सिर्फ 7 दिन का एक्सटेंशन चाहिए। जमानत बढ़ाने की मांग मेडिकल आधार पर की जा रही है, ये छूट का दुरुपयोग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बेंच, पिछले हफ्ते जब मेन बेंच के जज जस्टिस दत्ता मौजूद थे तो केजरीवाल की याचिका की लिस्टिंग क्यों नहीं की गई? सिंघवी, प्रिस्क्रिप्शन रविवार को दिया गया था, इसलिए पिछले हफ्ते एप्लीकेशन दाखिल नहीं कर पाए। आपकी पुरानी दलील, केजरीवाल का कीटोन लेवल कम हुआ, ये गंभीर बीमारी का संकेत है, केजरीवाल की जमानत को बढ़ाने की जरूरत है। आपने ये भी कहा है कि डॉक्टर्स ने केजरीवाल को PET CT स्कैन और कुछ दूसरे मेडिकल टेस्ट कराने की सलाह दी थी, जिसके चलते उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की। जेल में रहते हुए उनका शुगर लेवल भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। केजरीवाल और उनकी अपनी पार्टी ने यह दावा भी किया था कि उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही है। केजरीवाल लगातार तिहाड़ की जेल में बचने का बहाना ढूंढ रहे हैं और इससे पहले भी दिल्ली के सीएम पर सुप्रीम कोर्ट में 7 बार सुनवाई हो चुकी है। 15 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस देकर केजरीवाल की गिरफ्तारी का जवाब मांगा था। 29 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से ईडी के नोटिस को नजरअंदाज करने पर सवाल पूछा। 30 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए थे, ईडी से पूछा था कि चुनाव के पहले ऐसा क्यों किया। 3 मई सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए
केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर विचार करने की बात कही। 7 मई केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाए बिना सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई। 10 मई सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। 16 मई ईडी की गिरफ्तारी के विरोध में केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमने केजरीवाल को विशेष छूट नहीं दी। 17 मई दिल्ली शराब नीति में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में 8वीं चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में केजरीवाल और आपका नाम शामिल किया गया। 1 जून आने वाला है और लगता है कि तिहाड़ की सलाखें एक बार फिर से केजरीवाल के नाम की पुकार लगा रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल फिर से सलाखों के पीछे जाते हैं या फिर कोई रास्ता निकालकर कैद के इस डर से पार पा लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सियासत की गर्मी से जुड़ी एक खबर बता रहे हैं, क्योंकि देवरिया पहुंचे थे कांग्रेस के एक बड़े नेता। गर्मी इतनी थी कि अपने सिर पर ही पानी की बोतल उड़ेल ली। क्या कुछ है पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। गर्मी काफी है, राजनीति की गर्मी ने तो सियासी पारे को चढ़ाया ही हुआ है, लेकिन इस बीच आसमान से बरस रही आग ने भी नेताओं के पसीने निकाल दिए हैं। आखिरी चरण में पूर्वांचल की 13 सीटों पर लोकसभा के कुरुक्षेत्र में आखिरी युद्ध होना है और राजनीति के इस दंगल के आखिरी चरण के लिए सभी पार्टियों के दिग्गजों ने पूर्वांचल में डेरा डाला हुआ है। राजनीतिक बयानों की गर्मी के बीच आसमान से भी जमकर आग की वर्षा हो रही है और गर्मी के सितम का ऐसा ही एक वीडियो देवरिया से आया है, जहां कांग्रेस नेता ने चलते भाषण के बीच अपने सिर पर पानी की बोतल उड़ेल दी। गर्मी है काफी, देवरिया की गर्मी जहां एक तरफ राहुल गांधी पर जमकर कहर बरपा रही थी, तो वहीं राहुल भी अपने बयानों से राजनीति के पारे को चढ़ा रहे थे। राहुल ने एक बार फिर से पीएम के बायोलॉजिकल वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है और प्रधानमंत्री के साथ साथ अदानी और अंबानी को भी अपने रडार पर लिया है। बाकी सब लोग बायोलॉजिकल हैं, माता पिता से पैदा हुए हैं। नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ऊपर से टपक के आए हैं, उनको परमात्मा ने हिंदुस्तान भेजा है परमात्मा का काम करने के लिए। मजे की बात यह है कि परमात्मा ने उनको अदानी जी की मदद करने के लिए भेजा है। जहां एक तरफ राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में सियासत के गलियारों में एक नई आग को हवा दे रहे हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पश्चिम बंगाल की धरती से अपनी जीत के दावे कर रहे थे। 4 जून को नया इतिहास रचा जाएगा और वह इतिहास क्या होगा फिर एक बार आबार एक बार। यानी क्या नेता, क्या अभिनेता और क्या आम आदमी। आसमान से बरस रही आग ने तो सभी को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सियासत की ये लड़ाई आखिर किसके पक्ष में जाकर खत्म होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। बहुत एनर्जेटिक दिखते हैं राहुल गांधी इस पूरे लोकसभा चुनाव में। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जोश से लबरेज नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन भरे धरातल पर जो है उस रूप में नहीं उभर पाया जिस रूप में से उभरना था, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस तो यही कह रही है कि 4 जून को मोदी टाटा बाय बाय हो जाएंगे और सत्ता में आ जाएगी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन। इसी को देखते हुए अब मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 1 क्विंटल लड्डू का ऑर्डर दे दिया है कि 4 जून को नतीजे आएंगे तो कांग्रेस के पक्ष में ही आएंगे, लेकिन अब इस लड्डू का स्वाद कौन चखेगा यह हमने इस रिपोर्ट में समझाया है। देखिए, जीत के दावे और तैयारियां तो सभी करते हैं, लेकिन कांग्रेस तो अब दावों और वादों से आगे बढ़कर लड्डुओं तक पहुंच गई है। अभी लोकसभा के रण में आखिरी और 7वां राउंड बाकी है, लेकिन उससे पहले ही मध्य प्रदेश के दिल भोपाल में कांग्रेस ने 1 क्विंटल लड्डू का ऑर्डर दे दिया है। कांग्रेस नतीजों से पहले ही बड़े बड़े दावे कर रही है और 4 जून को जश्न की तैयारियों में जुट गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस 4 जून से पहले ही इंडिया गठबंधन की जीत की बात कर रही है और जश्न के लिए अलग अलग तैयारियां भी कर रही है। शेरवानी की पहले भी सिली थी, पहले मुख्यमंत्री पद के लिए सिली थी, बीडी शर्मा जी की, गोपाल भार्गव जी की भी शेरवानी सिली थी, शिवराज जी तो थे ही मुख्यमंत्री, और भी कई सारे नेता कैलाश विजयवर्गीय और अपने पटेल साहब जो प्रहलाद पटेल के तो घर पे सुरक्षा ही बढ़ा दी गई थी। लेकिन आप सब ने देखा कि एक पर्ची आती है दिल्ली से
और पर्ची में जिसका नाम निकलता वो मुख्यमंत्री बन गया। यही राजस्थान में हुआ, यही मध्य प्रदेश में हुआ, यही छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस के इन बड़े बड़े दावों पर बीजेपी भी अब चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ ख्याली पुलाव पका रही है। बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कांग्रेस को हिदायत दी है और कहा है कि 4 जून की हार के बाद हार का ठिकरा ईवीएम पर मत फोड़िएगा। कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन दिखता है, जो कि विपक्ष के नेता बनाने में पिछले 10 सालों में असफल रहे हैं। वो इस तरह की बातें करते हैं तो पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी की जमीन पूरी तरह समाप्त हो गई है। नतीजों से पहले बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने जीत के दावे कर रही है। दोनों ही पार्टियां जीत को लेकर आश्वस्त दिख रही है, लेकिन अब देखना होगा कि 4 जून को कौन सी पार्टी के दावे सही होते हैं और कौन सी पार्टी के दावों की जनता हवा निकाल देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अगली खबर भी मध्य प्रदेश से ही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुरू से ही लाउड स्पीकर पर बहुत सख्त हैं। उनका कहना है कि तेज आवाज में जो लाउड स्पीकर बजाया जाता है, इस पर जो है रोकथाम लगानी चाहिए। लोकसभा चुनाव में प्रचार में व्यस्त थे, वापस एक्शन मोड में आए तो फिर से लाउड स्पीकर का जो वॉल्यूम है वो कम होता दिखने लगा मध्य प्रदेश में। लेकिन सियासत का वॉल्यूम इस पर हाई है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के विधायक हैं आरिफ मसूद साहब, कह रहे हैं कि केवल मस्जिदों को ही टारगेट कर रहे हैं मोहन यादव। सही बात है क्या कि असल में लाउड स्पीकर का वॉल्यूम कम करना बहुत जरूरी है? इन्हीं सवालों को टटोला इस रिपोर्ट में बहुत ध्यान से देखिए। पच्चीस मई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के अनियंत्रित उपयोग पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए थे। सीएम मोहन यादव के निर्देशों पर अमल करते हुए इंदौर प्रशासन ने सोमवार को 258 धार्मिक स्थलों से 437 लाउड स्पीकर हटा दिए। वहीं भोपाल में पुलिस ने धार्मिक और अन्य प्रतिष्ठानों से 96 लाउड स्पीकर हटा दिए। पूरी राज्य में इसी तरह के अभियान चलाए गए। नियमों के अनुसार किसी धार्मिक स्थल पर अधिकतम 2 लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति है, जिनका डेसिबल स्तर सुनिश्चित किया गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में दिन में 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल तक सीमित। वाणिज्यिक क्षेत्रों में दिन में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल सीमित। आवासीय क्षेत्रों में दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल सीमित। मौन क्षेत्रों में दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल तक सीमित। मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने सीएम मोहन यादव को पत्र लिखा है कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो वो कोर्ट जाएंगे। आरिफ मसूद ने आगे कहा कि पूरे प्रदेश में मस्जिदों को टारगेट करके स्पीकर हटाए जा रहे हैं। सीएम के निर्देश पर प्रशासन गुंडागर्दी कर रहा है। उनको नमाज दिखती है, मस्जिद दिखती है, माइक दिखते हैं, उनको नौजवान नहीं दिखता, बेरोजगार नहीं दिखता, किसान नहीं दिखता, मजदूर नहीं दिखता, महंगाई नहीं दिखती। तो स्वेता समझ में आता है ना कि जब मुख्यमंत्री इन मुद्दों से हटकर इस पर बात करना चाहते हैं तो यानी वो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के मापदंड को तो सब मानने को तैयार है ना, कोई मना ही नहीं कर रहा, तो फिर पुलिस उतार क्यों रही है? हमारा सवाल ये, और उसका ना जवाब मुख्यमंत्री जी देते हैं, ना DGP देते हैं, ना DGP बात करने को तैयार होते हैं, वो नीचे करते हैं, तो ऐसे तो गलत है। आरिफ मसूद के बयान पर बीजेपी का पलटवार भी आ गया। बीजेपी के प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। धर्म की राजनीति कर वर्ग विशेष को खुश करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। वो आरिफ मसूद जो जाति देख करके, धर्म देख करके भोपाल में उपद्रव फैलाते थे, हिंसा फैलाते थे, जिनके ऊपर जिला बदर की कार्रवाई की गई थी, कांग्रेस ने स्वयं उनको लंबे अरसे तक अपनी पार्टी से निष्कासित रखा है। आरिफ मसूद का तो पूरा चरित्र ही धार्मिक उन्माद से भरा हुआ रहा है। उनकी राजनीतिक शैली में ही हम देखते हैं कि लगातार सनातन को टारगेट करने वाली उनकी राजनीति केंद्रित रहती है। तो स्वाभाविक तौर पर आरिफ जी के इस प्रकार के बयानों से मध्य प्रदेश का सौहार्द नहीं खराब होने वाला है। मध्य प्रदेश के न्यायप्रिय मुख्यमंत्री जी ने एक आदर्श निर्णय लिया है कि जहाँ पर भी ध्वनि तारक यंत्र लगा करके आम जनजीवन को परेशानी उत्पन्न की जा रही है तो उसको उतारा जाए और पूरी तरीके से धार्मिक जो अपनी परंपरा है, मान्यता है, उसको व्यक्तिगत सीमाओं के भीतर एक्सप्लॉइट किया जाए और उसका किसी भी रूप में जो एक सामाजिक ताना-बाना है उसका बिगाड़ने के लिए दुरुपयोग न होने पाए। सरकार की कोशिश है ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखी जा सके।
लेकिन सियासत है कि मानती नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अब आप ही बताइए, अगर आवासीय क्षेत्रों में लाउडस्पीकर का वॉल्यूम 45 से 55 डेसिबल तक रखने की कवायद की जा रही है तो इसमें सियासत कहां से आ गई, धर्म कहां से आ गई और मस्जिद कहां से आ गया, ये तो आरिफ मसूद साहब बताएंगे। लेकिन आप चलिए मेरे साथ छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कारोबारी अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर रायपुर पुलिस ने एक कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय संगठित आपराधिक गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की है और एक शार्प शूटर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने लॉरेंस बिश्नोई को खुली चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि लॉरेंस हो या फ्लोरेंस, ऐसे लोगों को सीधे ठोक दिया जाएगा। आप रिपोर्ट देखिए। आतंकी गिरोह के तर्ज पर देश भर में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह लॉरेंस बिश्नोई और अमन साव गैंग के निशाने पर रायपुर के कोल कारोबारी और रायगढ़ के कारोबारी थे, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबे को फेल करते हुए 26 मई को रायपुर पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ लिया था, जिसके बाद से लगातार इन ग्रुप के संबंध में नए नए खुलासे हो रहे हैं। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और अमन साव गैंग के पकड़े गए 4 आरोपियों के मोबाइल की जांच के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ। लॉरेंस बिश्नोई की पकड़ राजस्थान में मजबूत होती जा रही है, वहीं अब इस नेटवर्क को लगातार वो दूसरे राज्यों में फैला रहा है। राजस्थान के पप्पू सिंह के मोबाइल पर मलेशिया से लॉरेंस गैंग का काम संभाल रहे मयंक सिंह का चैट मिला है। मयंक ने पप्पू को रायपुर के अलावा रायगढ़ में भी एक कारोबारी को मारने की सुपारी दी थी। अमन साहू गैंग के 4 सदस्यों को पकड़ा है। यह गैंग सर्वविदित है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राज्यीय स्तर पर काम करता है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 2-3 बड़ी घटनाएं हिंसा की, औद्योगिक ग्रुप्स जो हैं उन पे जो हमले हो सकते थे उसको रोका गया है इस कार्रवाई के कारण। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए रायपुर पुलिस ने राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ में 72 घंटे का ऑपरेशन चलाया। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में जो भी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देगा उसे ठोक दिया जाएगा। विजय शर्मा ने कहा कि लॉरेंस हो या फिर फ्लोरेंस, छत्तीसगढ़ में ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इनका कारोबार झारखंड में है, लोग रहने वाले यहाँ के हैं, सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है, और चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो के फ्लोरेंस बिश्नोई हो, ठोका जाएगा भैया, ऐसा करेंगे तो गलत होगा इनके साथ। कांग्रेस ने इस मामले पर छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था खराब होने को लेकर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस के नेता धनेंद्र साहू का कहना है कि भाजपा सरकार बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय गिरोह की पहुंच छत्तीसगढ़ तक हो गई है, इनके पास अभी भी कोई ठोस नीति नहीं है जिससे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को रोका जा सके। इनके पास तो अभी भी ऐसी कोई ठोस नीति नहीं है कि इस तरह से जो बड़े गैंग है, गैंगवार है, ये इनको रोका जा सके। वो तो पुलिस वालों को बधाई देनी चाहिए, इसमें सरकार की कहीं कोई भूमिका नहीं है। ये पुलिस वालों की सक्रियता से बहुत बड़ी घटना होते होते बच गई है। अमन साव गैंग झारखंड में अपना बड़ा नेटवर्क तैयार कर चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कई बार उसकी असफल होने के बाद अमन साव लगातार लॉरेंस के संपर्क में काम कर रहा है। पकड़े गए 4 आरोपियों से रायगढ़ झारखंड पुलिस के साथ एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है और माना यह जा रहा है कि जल्द ही टीम झारखंड में बैठे सरगना अमन साव तक ही पहुंच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जब आपके अलमीरा में कोई चूहा मिल जाए और आपको कोई कपड़ा कुतरा हुआ दिख जाए तो आप क्या करते हैं? अलमीरा से सारे कपड़ों को बाहर निकालते हैं और एक एक कर उन तमाम कपड़ों को झाड़ कर देखते हैं कि कहीं ये कपड़ा भी तो फटा हुआ नहीं है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग फर्जीवाड़े घोटाले में भी अब यही स्थिति बन गई है, क्योंकि सीबीआई के जिम्मे ये पूरा जांच था, लेकिन सीबीआई ही इस पूरे फर्जीवाड़े में जो है संलिप्त नजर आए। उसके बाद अब हाईकोर्ट की तरफ से एक निर्देश आया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जितने भी कॉलेजों को सीबीआई ने मान्यता दे दी थी, अब उन तमाम कॉलेजों की दोबारा जांच कीजिए, क्योंकि हाईकोर्ट को अब सीबीआई पर भरोसा नहीं है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज घोटाले में एक के बाद एक नई परतें खुलती जा रही हैं। अब इस घोटाले में एक और नया अपडेट सामने आया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की याचिकाकर्ता पर सुनवाई करते हुए पुरानी जांच में सही पाए गए नर्सिंग कॉलेज पर फिर से जांच करने के आदेश दे दिए हैं। जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की स्पेशल बेंच ने कहा कि पिछली जांच में फिट घोषित किए गए 169 नर्सिंग कॉलेजों की दोबारा जांच होगी
और इस पूरी जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी। एक बार हाईकोर्ट के आदेश को जरा डिटेल में समझ लेते हैं। हाईकोर्ट के आदेशानुसार पिछली जांच में फिट घोषित पाए गए 169 नर्सिंग कॉलेजों की अब दोबारा जांच होनी है, साथ ही साथ इस पूरे जांच की वीडियोग्राफी भी होगी। इस वीडियोग्राफी के दौरान जिला के न्यायिक मजिस्ट्रेट भी सीबीआई के साथ मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ कॉलेज के संचालक और प्रिंसिपल भी जांच में उपस्थित रहेंगे। हाईकोर्ट के आदेशानुसार अब पुराने नियमों से ही मान्यता प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, जिसके तहत अनसुटेबल 86 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता भी रद्द हो जाएगी। हालांकि इस जांच और कार्रवाई का असर स्टूडेंट्स पर नहीं पड़ेगा। इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई की जांच टीम ने मध्य प्रदेश के 600 में से 308 नर्सिंग कॉलेज की जांच रिपोर्ट दे दी थी। अब जरा उस रिपोर्ट की बारीकियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सीबीआई की पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक कुल नर्सिंग कॉलेजों की संख्या 308 है, जिसमें की योग्य नर्सिंग कॉलेज 169 की संख्या में है, तो वही अनफिट नर्सिंग कॉलेजों की संख्या 73 है, जबकि अयोग्य कॉलेज कुल 61 की संख्या में है। इससे पहले बीते 27 मई को इंदौर की 5 नर्सिंग कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया गया था। नर्सिंग के इस घोटाले में एक के बाद एक नए अपडेट सामने आ रहे हैं और नर्सिंग के रंग ने मोहन यादव सरकार के दामन पर भी अब एक गहरा दाग छोड़ा है। अब देखना होगा कि सरकार और न्यायालय कितनी जल्दी इस पूरे मामले की जड़ तक पहुंच पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है, इसलिए मुझे यहीं पर अलविदा कहिए। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।